कैसी बुरी हालत बना ली रहे तूने अपनी। बारूद का ढेर था लेकिन अब किसी उजड़े मजार की अगरबत्ती लगता है। अरे जिसके वास्ते तू अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है ना, वही तेरी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। चल वापस चल अपनी दुनिया में। देख मैं तेरे को अपने साथ ले जाने के वास्ते कैसे कैसे महारथी अपने साथ लाया हूँ। देख नहीं नहीं नहीं, ऐसी दुश्मनी की नजर से देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब भवानी अन्ना से हाथ मिला चुका है और जो अन्ना का दोस्त है वो भवानी का दोस्त है। और इस दोस्ती का सुझाव दिया है हमारे आदरणीय भजन सिंह जी ने। आप है राजनीति के बेताज बादशाह, सियासत की शतरंज कैरम बोर्ड की तरह खेलते हैं। दौलत और ताकत का स्ट्राइकर इनकी उंगलियों में है। जितनी देर में कैरम का एक बोर्ड फिनिश होता है उससे भी कम वक्त में ये किसी भी पार्टी का तख्ता पलट सकते हैं। वो क्या है कि शक्ल से मैं उतना कमीना नहीं लगता हूँ जितना मैं हूँ। बहुत सोच समझ कर राजनीति के इस धंधे में कदम रखा है मैंने। जानते हो क्यों? क्योंकि नेतागिरी ही एक ऐसा धंधा है जिसे शुरू करने के लिए ना फाइनेंस की जरूरत होती है ना क्वालिफिकेशन की, सिर्फ कोयल सी मीठी जुबान और लोमड़ी सा शातिर दिमाग चाहिए। दरअसल मैंने ही अन्ना को सुपारी दी थी उस सीएम को मारने के लिए, और तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने के लिए, मगर साला किस्मत का धनी था। बच गया, और मर गया वो जो तुम्हारी बीवी का पहला पति था। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रुपए लेकर खून करते हैं। तुम्हारे पास आने की वजह है तो सिर्फ इतनी कि बंदूक चलाते वक्त तुम्हारी उंगलियां नहीं कांपती। 26 जनवरी को वही सीएम इस शहर में आ रहा है किसी सरकारी मीटिंग के सिलसिले में, और 28 जनवरी को वापस जा रहा है, यानी 48 घंटे हैं तुम्हारे पास अपना पिछला अधूरा काम पूरा करने के लिए। यह मत समझना कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे इस काम के, इतनी रकम मिलेगी जिंदगी भर ऐश करोगे ऐश। ये मशीन गन दिखने में बहुत छोटी है लेकिन इसकी गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं बिना आवाज किए। उठा लो इसे, इसका गला बारूद उगलने के लिए मचल रहा है। सोच क्या रहा है शिवा? तेरा मनपसंद खिलौना तेरे सामने पड़ा है, उठा ले इसे। उठा ले शिवा, उठा ले। भजन सिंह, जब मैं चलना सीख रहा था तो अन्ना ने उंगली की जगह रिवॉल्वर की नाल थमाई थी मुझे। बड़ी मुश्किल से अपने हाथों से बारूद की बदबू धोई है मैंने। मुझे दोबारा हथियार उठाने पर मजबूर मत करना वरना कैरम बोर्ड तुम्हारे सामने होगा लेकिन स्ट्राइकर चलाने के लिए तुम्हारी हथेली पर उंगलियां नहीं रहेंगी। पागल हो गए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए अन्ना, क्योंकि आज भी वही तेवर वही जुनून वही आग है इसमें। अब तुम देखना मैं इस आग में अपनी राजनीतिक बुद्धि का तेल छिड़क कर इसे कैसे ज्वालामुखी बनाता हूं। उड़ा दे इसे। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, ऑफिस से घर आ रहे थे, अचानक कार उड़ाकर चली गई। एक्सक्यूज मी, केस बहुत सीरियस है, हमें दूसरे अस्पताल से सर्जन को बुलाना होगा। आप 30-40 हजार रुपए जमा करवा दीजिए। 30-40 हजार रुपए? इतने रुपए कहाँ से आएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, महेश भैया के इलाज के लिए मैं अपना कराज तक भेज दूंगा। साहब इसको मत तोड़िए साहब, ये हम गरीबों की रोजी रोटी है साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ साहब। ए, तेरे को बोला ना बीच में नहीं आने का, नहीं तो तू भी भूखा हो जाएगा। चला यहाँ से। नहीं साहब। मिस्टर खबरदार, जो हमारे काम में दखल देने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ। तुम्हारा ये गैरेज अनऑथोराइज है और इसका डिमोलिशन ऑर्डर है हमारे पास, ये देखो। मगर साहब एक
गड़बड़ हो गया। म्युनिसिपैलिटी वालों ने अपना गैरेज तोड़ दिया। मैंने उनको बहुत समझाया, गिड़गिड़ाया कि मत तोड़ो, कहते हैं गैर कानूनी है। मेहरबान कदरदान, है कोई माइकल आल जो अपने बाजुओं की ताकत आजमाना चाहता है? अरे है कोई जवान जो इस कोलास से टकराने की हिम्मत रखता है? अरे है कोई जवान? मेहरबान कदरदान, जो इस पहलवान को हराएगा वो 20,000 रुपए कमाएगा। अरे है कोई मर्द? मैं लड़ूंगा। हाँ मैं लड़ूंगा। तू लड़ेगा? मैं लड़ूंगा इस मिट्टी के लाल से। ठीक है, आ अंदर आ, आ जा। हाँ कपड़े बदल के आना। इसके 35 मिलेंगे, ये लीजिए। मेरा पहलवान नहीं हारना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं हारने के 40,000 दूंगा। 30-40,000 रुपए, इतने पैसे कहां से आएंगे? गुरु क्या? ठीक है, पैसे इसको दे देना। एमेन, तुम कैसा बात करते हैं? पूरे 40 संगीन ले। अब अगला राउंड पानी में होगा। पैसा दे दिया है बाप, मारने के लिए नहीं, मार खाने के लिए। हो ये डिपॉजिट के पैसे? अब इसकी जरूरत नहीं है मैडम, आपके पति ने तो पैसे भिजवा दिए हैं। क्यों लिए आपने पैसे? जी आपके अस्पताल में मेरा भाई एडमिट है, मेरे पति का। सुधा ये कैसा बात करता है? मैं तुम पैसा तुमने दिया अजय ने दिया, एक ही बात है ना? नहीं मिस्टर डेविड, बहुत फर्क है। क्या? इधर आओ मैन, क्या हुआ है? तुम हस्बैंड एंड वाइफ में क्या टेंशन चलता और किस बात का झगड़ा है? हा? अरे अजय तो कितना अच्छा छोकरा है, तुमको तो अपना तकदीर पे नाश करना मांगता। लोग अपनों के काम नहीं आता और अजय तो दूसरों का वास्ते अपना जान देता है। मिस्टर डेविड, वो जान देता नहीं, जान लेता है। मेरे भाई के इलाज के लिए उसने जो पैसा डिपॉजिट किया है, न जाने किसका खून बहा के लाया है वो। हाँ खून तो जरूर बहा है, तुम जानना मांगता है ना कि किसका खून बहा है?
हम बताएगा तुमको, बताएगा कि किसका खून बहा। चलो हटो बहन, देखो अपना आंखी से देखो कि किसका खून बहाता है। क्या समझते हो तुम? चंद खतरे खून के बहाने से तुम्हारे सारे गुनाहों के दाग खुल जाएंगे? उसने इन हाथों से, और तो और सुधा के पहले पति की मौत का कारण भी मैं ही हूं।